हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। 200 ग्राम मैंने मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच खमीर, यीस्ट जैसे बोलते हैं, 1 टीस्पून यीस्ट डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और 200 ग्राम मैदा है, इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, मतलब 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, 1.5 छोटा चम्मच चीनी, मतलब 1 छोटा चम्मच और आधा छोटा चम्मच चीनी। तो टोटल हमने, अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, मैदा, नमक, चीनी, खमीर, इन सबको अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे 125 ml वाटर, मतलब आधा कप पानी। सारी चीज़ों को मेजर करके फॉलो करें। 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे और नरम आटा गूंद लेंगे। आटा अगर सख्त लगे तो 1 टेबल स्पून पानी आप डाल सकते हैं। जिस भी चीज़ में खमीर डलता है उसका आटा हमेशा नरम लगता है, ताकि वो हमारी ब्रेड नरम बने, सॉफ्ट बने, पिज़्ज़ा की ब्रेड। तो आटे को अच्छे से गूंद लें जब तक ये चिपकना छोड़ नहीं देता। तो अब हम इसे ढक देंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ा और नरम हो और खमीर इसमें फूले। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पाइन नट्स, मतलब चिलगोजे, पाइन नट्स डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसमें डालेंगे बादाम 2 टेबल स्पून, बिना छिलके वाले बादाम है 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पार्मेजान चीज़, ये बाज़ार में आपको आराम से मिल जाएगी। इसमें हम डालेंगे 1 लहसुन, 1 गार्लिक क्लोव, आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और 1 कप डालेंगे हम इसमें पेस्टो लीव्स, मतलब बेजल लीव्स डालेंगे हम इसमें, तुलसी पत्ता जिसे बोलते हैं, 1 कप बेजल लीव्स डाले मैंने। 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे और सारी चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ऐसे हम ब्लेंड करते हैं। इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च। तो ऐसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 7 चेरी टोमेटोस और इसको अगेन ब्लेंड करेंगे ताकि सॉस बन जाए। तो ये रही हमारी बेजल पेस्टो सॉस, टोमेटो बेजल सॉस, ये तैयार है। और ये आटा भी देखें नरम हो गया है, मैंने इसका ढकना हटाया। तो अब हम पिज़्ज़ा पैन पे मैंने तेल लगा के सूखा आटा छिड़क दिया है उसके ऊपर। अब हम इसमें आटे को डाल के और फैला देंगे पिज़्ज़ा की ब्रेड जितना। तो हाथों से इसे फैलाएं, अगर मुश्किल लगे तो आप चकले और बेलन की मदद से इसे बड़ा कर लें और फिर पिज़्ज़ा पैन पे डाल दें। अब हम एक कांटा लेंगे और इसे प्रिक करेंगे, ताकि जो ये ऊपर पुड़ी की तरह फूले नहीं और ये फ्लैट बने ब्रेड की तरह, इसीलिए इसे कांटे से चुभना बहुत ज़रूरी है, पोक करना इसको बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये पेस्टो सॉस जो हमने बनाई थी बेजल लीव्स और टोमेटो से। तो सारी सॉस इसके ऊपर लगा लें। तो पूरी सॉस मैंने इसके ऊपर लगा ली है, ये देखें। तो ये पूरी हमारी सॉस लग गई है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटर, जो चेरी टोमेटोज़ ये साथ हैं, मैंने 2-2 टुकड़े किए हैं इसके। इसके ऊपर ये चेरी टोमेटोज़ लगा दें और 1 कप हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। उसके बाद कुछ भी नहीं करना। आप चाहें तो इसके ऊपर लाल मिर्च डाल दें, ऑरिगैनो डाल दें थोड़ा। अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे 1 कप और फिर इसके ऊपर मैं थोड़ी काली मिर्च डालूंगी और फिर इसको बेक करने के लिए रख दूंगी। थोड़ी काली मिर्च डाल दें इसके ऊपर। अब हम इसे बेक करेंगे 180 सेल्सियस पे फॉर 18 मिनट्स, 180 सेल्सियस पे 18 मिनट के लिए इसे बेक करें। तो ये देखें 180 सेल्सियस टेम्परेचर है और ये डबल ग्रिल विथ फ़ैन का मूड है, हमेशा बेकिंग फ़ैन पे और डबल ग्रिल होती है। तो ये देखें हमारा पिज़्ज़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट, प्रेस बेल आइकन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।